हेलो फ्रेंड, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट ई पैन कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने एक ऐसी स्कीम चालू की है जहां पर आप जाकर फ्री में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पैन कार्ड बना सकते हैं और ये पैन कार्ड आपको सिर्फ 10 मिनट में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। तो फ्रेंड, मैं आपको फुल डिटेल्स में पैन कार्ड बनाना इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको पैन कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको आ जाना इस वाली साइट पर। इस साइट का लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट विजिट कर पाओगे। ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, यानी कि आधार से जो है आप तुरंत पैन कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड आपको इस वाली साइट पर जो है क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको गेट न्यू पैन और यहाँ पर चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, गेट न्यू पैन पर। तो चलिए फ्रेंड, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और इस कैप्चर को फिल करना होगा। अब आपको यहाँ पर दोनों चीज फिल करने के बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 1 2 3 करके यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है आपको, यदि आपका पहले से कोई पैन कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करें। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 10 मिनट में पैन कार्ड यहाँ से बनेगा इस साइट से। तो इसके लिए आपको, और तीसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि आपके पैन कार्ड में जो है सारी डिटेल जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में महीना तारीख और ईयर तीनों चीज होना चाहिए, और इसके बाद जो है आप पैन कार्ड बना सकते हैं। तो आपको इस घोषणा पत्र पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर चेक मार्क करने के बाद जो है आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा जेनरेट आधार ओटीपी, तो इस पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना ओटीपी फिल करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर लिया, जैसे कि आपको दिखा दूं। और आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा वैलिडेट आधार ओटीपी एंड कंटिन्यू, तो इस पर आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो आपके सामने पूरी आपकी डिटेल्स आ जाएगी आधार से। यहाँ पर जो भी आधार में डिटेल होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, यहाँ पर जो भी आपकी एज होगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्टर, सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट दैट, तो इस पर आपको चेक मार्क कर देना है और यहाँ पर लास्ट में सबमिट पैन रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर जेनरेट हो जाएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए चेक नाउ, तो यहाँ से जो है आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। 10 मिनट में यहाँ पर आपका पैन कार्ड आ जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं आया है या नहीं। तो इसके लिए आप इस चेक नाउ पर क्लिक करेंगे स्टेटस चेक करने के लिए। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना होगा अपना। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चर फिल करना होगा और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। और यदि आप वहां से डायरेक्ट विजिट नहीं कर पाते जो स्टेटस चेक करने के लिए, तो इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है होम, तो इस होम पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप होम पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो वापस से आप इसी वाली साइट पर आ जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट की साइट पर। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपको फिर से इंस्टेंट पैन पर क्लिक कर देना इस वाली साइट पर। तो क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए न्यू पैन पर हमने पहले क्लिक किया था, अब आपको जो है चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन पर क्लिक करना है स्टेटस चेक करने के लिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो वापस से आपके सामने जो है इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने जो है आधार नंबर डाल लेना है और कैप्चर डाल लेना है और लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार से आधार, जो आपका आधार मोबाइल नंबर डला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को जो है आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर ओटीपी फिल कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ओटीपी फिल कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पैन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो जैसे ही आप डाउनलोड पैन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ डाउनलोड होगी। तो पीडीएफ में आपको डेट ऑफ बर्थ में पासवर्ड डालना है, मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड पैन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है पीडीएफ में अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2002, तो आपको डालना है 01012002। इस प्रकार से आपको डालना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप डाल लेते हैं तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से पैन कार्ड आ जाएगा। तो इस पैन कार्ड को जो है आप कहीं भी लगा सकते हैं, बैंक में या आप किसी भी अन्य कार्य में इससे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सभी में ये पैन कार्ड चलेगा क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट से बनाया गया है। तो इस पैन कार्ड को आप जो है 10 मिनट में घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।